नमस्कार, मैं जी सिंह सर, जी सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्नेहिल विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग फ्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखे हैं और आज हम भिन्न के अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं और टॉपिक आज की बनने वाली है कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी सतत भिन्न। सतत भिन्न हालांकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो बहुत समय लगता है। हमारा प्रयास हो कि हम बहुत छोटे में भिन्न को सॉल्व कर लें तो वो तरीका क्या होगा, आज हम उसी पे आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उस तरीका तक जाने से पहले हम मैन्युअली सीखेंगे कि हम ऐसे प्रश्न को वास्तव में करें कैसे। एक उदाहरण आपके सामने है और सवाल ये है कि x बराबर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये जानिए कि ऐसे भिन्न को हल करने के लिए एक तरीका हम ये भी अपना सकते हैं। क्या? ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न को हल करते समय हम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, यानी हम यहाँ से हल करते हुए ऊपर की ओर क्रमशः बढ़ेंगे। और देखिए कि इसी डायग्राम पर इस प्रश्न को हल हम कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, दो के दो यहाँ आ गया 3/2। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। बस यहीं से देखो हल करना शुरू करता हूँ। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 3 × 3 2 × 2 3 × 2 हो गया 5/3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ लाऊँगा तो देखो ये हो जाएगा 3/5। अब देखिए 5 का गुणा यहाँ करेंगे, 1 का गुणा 3 में करेंगे, 5 × 5 3/8 हो गया 5। और इसको जब हम यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5/8। बात समझ में आ रही है? और अब देखो यहाँ से हल करें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा यहाँ पर, तो ये देखो हो गया 8 × 8 5 13/8। यानी हमें वैल्यू ऑफ एक्स मिल गया कितना भाई, 13/8। निकालना किसको है? इसको निकालना है। देखिए कैसे निकाल रहे हैं, 2x + 7/4। एक्स का मान यहाँ से उठा करके रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2 × 13/8 + 7/4। देखो ये इससे कट गया, अब 13 और 7 हो गया कितना, 20/4। और ये इससे कट के बोलो बेटा रिजल्ट कितना आ गया, 5। और ये आंसर आपका सही हो जाता है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हम उसी पर सॉल्व करते हुए चलें और सॉल्व करते 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 ऊपर की ओर बढ़ जाएं और सीधे सीधे प्रश्न को हल कर लेते हैं। समझ में आ गया? अब इसी का एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ और मैं आज दोनों तरीके से सवाल को सॉल्व करके आपको लेकर चलेंगे। देखिए इस प्रश्न को हम आगे हल कैसे कर रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन मैं वही रखता हूँ। पहले तो मैं शेष भाग को यहाँ से रफ कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो प्रश्न था वो प्रश्न यही रहे, इसलिए मैंने कलर को चेंज किया था। देखिए हमारा क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि इसमें जो अंतिम फ्रैक्शन है वो क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीका है, 1/2। तो हम 1 को पहले और 2 को बाद में लिखेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे कि कुल कितने पूर्णांक जोड़े जा रहे हैं इसको छोड़कर, क्योंकि अगर आप इसको भी लेते हो तो लास्ट में हमें उल्टा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो छोड़ दो, लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कितना है, 1, 2, 3 तीन पूर्णांक है, तो आप यहाँ पर 3 प्लेस बना लीजिए। देखो ये 3 प्लेस बन गया। अब हम करेंगे क्या, जो पूर्णांक है उसको हम यहाँ पर रखेंगे, फिर पूर्णांक यहाँ पर रखेंगे, पूर्णांक यहाँ पर रखेंगे। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो 2 और 1 जोड़ दें तो यहाँ पर बोलो कितना आ गया, 3। फिर आगे देखना, इसका गुणा इसमें करें, 3 और 2 जोड़ दें तो बोलो यहाँ कितना आ गया, 5। आगे देखना, इसका गुणा यहाँ कर दें तो 5 और इसका गुणा यहाँ कर दें 3,
तो देखो ये हो गया 5 और 3 मिलकर कितना हो गया 8। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आपने इतने को हल कर लिया। अब चूंकि आप देख रहे हो 1/2 को जवाब रखे थे, तो अंश को पहले रखे थे, हर को नीचे रखे थे, ये हमारा रिजल्ट आया हुआ है। तो बताओ इसमें अंश कितना आ गया है 5, हर कितना आया 8। ये इतने का मान है, इतने का मान है, जबकि अभी एक इसमें जोड़ा जा रहा है, तो हम लास्ट में एक और ऐड कर दें। अब बताओ इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 13/8। यही आ गई एक्स की वैल्यू, निकालना इसको है। अब हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से 2x+7/4 को हल करने में x का मान 13/8 रखा जाए, तो 2×13/8+7/4, देखो ये इसे कटा और ये आ गया 20/4, यानी रिजल्ट कितना आ गया भैया? 5 आ गया। बात समझ में आ गया? तो एक तरीका आपने देखा कि यहाँ पर हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी और हम प्रश्न को हल कर ले गए। लेकिन यहाँ एक बात मुझे बताते हुए चलना होगा कि जो पूर्णांक है वो इनके ऊपर गुणा करेगा और जो इसका अंश है, जैसे यहाँ अंश है, यहाँ अंश है, यहाँ अंश है, वो अंडरस्टूड है, भाग करेगा। तो एक से भाग करने पर कोई वैल्यू में अंतर नहीं होगा, इसलिए मैंने वहाँ पर दिखाया नहीं। इसी चीज़ को हम एक से गुणा करने पर भी कोई अंतर नहीं होता, इसलिए हम चाहें तो इसको भी ना लिखें और सीधे सीधे हमने ये रिजल्ट लिखा। हमारा ये अंश, ये हर 5/8 आया। 5/8 केवल इतने का मान है, अभी एक उसमें जोड़ा जा रहा है, एक जोड़ देंगे 13/8 हो जाएगा एक्स की वैल्यू। अब आपके अंदर ये आ रहा होगा यार कि चलो ठीक है, तो एक 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 का लेकर लगाया, अगर इसके अलावा होता तो क्या होता? तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए और आइए एक प्रश्न हम कुछ ऐसा भी उठा लेते हैं। चलिए देखिए, एक प्रश्न हमने उठा लिया, 1+1/1+2/2+3/1+4/5 की वैल्यू। तो आइए हम पहले तरीके से देखें, पहले हम साल्व करें नीचे से ऊपर की ओर। बहुत ध्यान से देखते चलिएगा और मैं यहीं पर कोशिश कर रहा हूँ तो आप गौर करिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम इसको साल्व करेंगे। देखो 5×5=9/5, इसको ऊपर लाएं तो ये हो जाएगा 5/9। बात समझ में आ रही है? देखो ये इससे कट रहा है 3 बार में, 3×6=5, 11/3, इसको अगर ऊपर लाएं तो देखो ये हो जाएगा 3/11। अब देखो यहाँ से क्या आया, 11×11, 3×6, 11×6 हो गया 17/11, और इसको ऊपर लाएं तो ये हो जाएगा 11/17। अब आप इसका गुणा यहाँ कर दो और 11 ऐड करो, तो देखो 17×17 और 11 हो गया कितना, 28/17। ठीक है, या आपको तो ये पता ही है कि अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 11/17, तो आपको मालूम है जो प्लस में किया जाता है वही सही बन जाता है। एक आ गया एक सही 11/17, और इसमें आपका आंसर देखिए मुझे पहला सही दिखाई दे रहा है। बात मेरी अगर समझ में आ गई हो तो इसे बहुत जल्दी से नोट करें और फिर हम करते हैं जो दूसरा तरीका है उससे। आइए भी इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप एक बार में सीख लें। हमने क्या कहा कि लास्ट वाले इस भिन्न को उठा लो, 4/5 है, तो आप 4 लिख दो फिर 5 लिख दो। अब गिनो पूर्णांक कितने हैं, तो देखो 1, 2, 3 पूर्णांक है, तो 3 प्लेस बना लो, 1, 2, 3। चलिए अब आप इसके साथ पूर्णांक 1 है तो इसके ऊपर +1, जो हल होके आएगा पूर्णांक 2 है तो यहाँ पर रखेंगे +2, फिर यहाँ पर रखेंगे +1। अब आप यहीं पर ध्यान लगाइएगा, देखो यहाँ जोड़ने का काम है, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ बोलो क्या हो जाएगा, 9। लेकिन 9 जो हुआ वहाँ पर 1 नहीं है बल्कि क्या है, 3 है। देखो वहाँ पर 1 होता था इसके पहले के उदाहरण में, तो हमने कहा 1 से भाग देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इसलिए नहीं देते, लेकिन यहाँ पर 3 है तो ये ध्यान रखना जो यहाँ वाला है वो भाग दे देता है। देखो ये कट के आ गया 3। अब यहाँ भी जोड़ा जा रहा है तो देखो कैसे जोड़ेंगे, 3×6 और 5×5,
तो 6 5 बोलो यहाँ कितना हो गया, 11 11। अब आगे देखो, यहाँ हो गया 11 और यहाँ पर अब आ रहा है क्या, 2। तो हम यहाँ भी रखेंगे 2। बात समझ में आ रहा है? चलो अब ज़रा सा आगे बढ़ते हैं और अब देखो हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, इसको इसमें जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ कितना होने जा रहा है, अब ध्यान रखना कि जोड़ते समय गुणा नहीं करते, गुणा आगे यहाँ से लेते समय करते हैं। तो हम 11/2 में 3 जोड़ेंगे, तो 3 × 2 = 6 और यहाँ आया 11। तो देखो ये कितना हो गया, 17/2। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये हमारा लास्ट रिजल्ट हो गया। तो अब बताओ कि अगर मैं इसको भिन्न में बदलूं तो ये अंश है, ये हर है, 2 से 2 कट गया, अतः आ कितना गया, 11/17। लेकिन ये वैल्यू आई है केवल इतने का, यानी इतने का मान आया है। अभी एक इसमें जोड़ना है, तो अगर मैं एक यहाँ पर और जोड़ दूँ तो यही जुड़ के हो जाएगा 1 = 11/17। बात क्लियर हो गई? इस सवाल को एक बार फिर से आप समझिए। देखिए मैं कहा क्या, दो चीज़ों को ध्यान आपको रखना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है, वो क्या है उसे ध्यान से समझिएगा। ये जो संख्या है ये भाग करती है और ये जो संख्या है ये गुणा करता है। बस दो बात को ध्यान रखो, ये भाग ये गुणा। अब हमने क्या कहा कि सबसे पहले लास्ट भिन्न को उठा लेते हैं। तो देखो ये 4 5 है, उठा लिया। अब देखो पूर्णांक कितना है, तो 1 2 3 पूर्णांक है, तो हमें 3 प्लेस और इसमें भरने होंगे। बहुत केयर करके देखिएगा। अब चलो, अब गुणा करने वाले को ऊपर, भाग देने वाले को नीचे रखेंगे। देखो पहला पूर्णांक +1 है, तो इसका मतलब इसमें जो गुणा होगा +1 से होगा। दूसरा पूर्णांक +2 है, तो यहाँ जो आएगा उसमें गुणा +2 से होगा। और तीसरा पूर्णांक 1 है, तो जो आएगा +1 से गुणा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से चूंकि मैं लेके चला हूँ तो इतने को हल करके आएंगे, तो 3 से भाग देना होगा। अब बताओ इसको हल करो तो कितना आएगा, इनको इनको जोड़ेंगे ना, क्योंकि जोड़ने का काम हो तो जोड़ेंगे, घटाने का काम हो तो घटाएंगे। तो 5 और 4 बोलो कितना हो गया बेटा, 9। यानी ये सॉल्व होकर इसके लिए आ गया। यहाँ पर 3 है तो हमें उससे भाग देना होगा, 3 से भाग कर दिया, रिजल्ट आ गया 3। अब आगे बढ़ो, यहाँ के लिए देखो क्या करेंगे, इसका इसका गुणा और इसको, अब गुणा नहीं करेंगे केवल इसको लेंगे। तो देखो 2 3 6, हमेशा ध्यान रखना लास्ट वाले में गुणा और पहले वाले को केवल जोड़ा जाएगा। 3 × 6 और 5 = 11 हो गया यहाँ, और ये 11 इस 2 के लिए आया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका इसका गुणा, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा ना, 11/2, और इसको जोड़ेंगे तो 11/2 में जब 3 जोड़ेंगे तो देखो ये हो गया 3 + 11/2, 3 × 2 = 6 और 11 = 17 हो गया। तो ये हो गया 17/2। ये रिजल्ट हमारा आ गया यहाँ तक का। अब बताओ जो हमें भिन्न प्राप्त होगा, तो हमने क्या बताया था, हमने कहा था ना कि आगे वाला अंश होगा पीछे वाला हर होगा। तो जो भिन्न प्राप्त हुआ बोलो वो कितनी प्राप्त हुई, 11/17। लेकिन इसमें 1 जोड़ा भी जा रहा है, तो इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं तो यही हो जाता है 1 = 11/17, और यही हमारा आंसर आया हुआ था। तो आइए अब हम एक प्रश्न इस पर इसी तरह का और देखेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ध्यान रखिए नियम अच्छा है, इसको आप लोग थोड़ा सीखने का प्रयास करिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, पहले हम नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं। अब बताइएगा अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 × 2 = 4 5/2 आएगा। इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा बोलो कितना, 2/5 हो जाएगा। 5 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 2 में, 5 × 3 = 15 और 4 हो गया बोलो कितना, 19/5 हो गया। अब जब हम इसको यहाँ से कैंसिल करके ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/19, और 1 में 5/19 से गुणा करेंगे तो हमारा बोलो आंसर क्या आएगा, 5/19 आएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम उस तरीके को देखें, चलिए देख लेते हैं। चला यहाँ देखना अंतिम भिन्न क्या है, 1/2, क्लियर करना भाई इसको। तो आप लिखो 1 और 2। अब देखो कई पूर्णांक है, 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 पूर्णांक है, इसका मतलब 2 जगह अभी भरना होगा हमको। चलिए अब बताओ
इसके लिए पूर्णांक क्या है, दो है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमें दो से गुणा करना होगा। और इसके लिए पूर्णांक तीन है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ तीन से गुणा करना होगा, लेकिन यहाँ पर अंश दो है, इसका मतलब जो भी आएगा दो से भाग करना होगा। तो चलो इसका देखो क्या आ रहा है, हमने अंतिम वाले का गुणा आगे वाले में जोड़ते हैं, दो दुनी चार और एक पाँच आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ अंश दो है इस पाँच के लिए, तो हम बटे में दो कर देंगे। अब देखिए इसका इसका गुणा इसको जोड़ो, तो देखो पाँच ते पंद्रह बटे दो प्लस दो, यानी हम क्या लिख रहे हैं, पंद्रह बटे दो प्लस दो, दो दूनी चार, पंद्रह चार, उन्नीस बटे दो। ठीक है भाई, अब देखिए अब हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या प्राप्त हुआ, तो ये पहला वाला अंश अंतिम वाला हर, पाँच बटे दो बटे उन्नीस बटे दो, दो से दो कट गया। बोलो आपका आंसर कितना आ गया, पाँच बटे उन्नीस। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको और ये सीखने का प्रयास करिए, बहुत ही बढ़िया है। आइए कुछ थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए सवाल है कि दो बटे तीन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू। यहाँ पर देखिए बटा तो सबका एक है, यहाँ भी एक मान के हल होगा, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर एक माने, या चलो उसको लास्ट में लेते हैं, अभी तो आप मैनुअल देख रहे हो इसका। चलो नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करें, तो देखो ये हो गया दो दूनी चार में से एक निकल गया, बोलो कितना आया, तीन बटे चार। हालाँकि ये भी नियम ख़राब नहीं है, बढ़िया है। इसको ऊपर भेजो तो ये हो जाएगा चार बटे तीन, चार बटे तीन। अब देखो चार बटे तीन, तो तीन दूनी छः और चार, ये हो गया बोलो कितना, दस बटे तीन। ये ऊपर आएगा तो बोलो कितना हो गया, तीन बटे दस। यहाँ देखो ये हो गया दस त्याय तीस और तीन तैंतीस बटे दस, और ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा दस बटे तैंतीस। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसका रिजल्ट बोलो कितना आ गया, बीस बटे तैंतीस। चेक कर लीजिए थोड़ा कहीं गलत तो नहीं। देखो दो दूनी चार, एक निकल गया, तीन बटे चार, चार बटे तीन, तीन दूनी छः, चार दस बटे तीन, तीन बटे दस, दस तैंतीस और तीन तैंतीस बटे दस, दस बटे तैंतीस, बीस बटे तैंतीस। यानी आपका आंसर यहाँ से आ गया बोलो क्या, बीस बटे तैंतीस। यानी ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, नन ऑफ दीज। इसका आंसर बीस बटे तैंतीस आ रहा है, जबकि दिया गया है सोलह बटे सत्ताईस। तो ज़रा देखा जाए क्या बीस बटे तैंतीस और सोलह बटे सत्ताईस क्या अप्रॉक्सीमेट बराबर है, ज़रा देखो। तो 20 में 33 से भाग दे दो, दशमलव जीरो कितनी बार हो जाएगा, 6 बार, 36 18, 36 18 एक 19, 10 से 8 गया 2, सब कैंसिल, 0 0। ठीक है भाई, 0 लगा लो, कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार, 36 18 6 बार। अब ज़रा सा 16 में 27 से भाग देकर देखा जाए, 0 6 बार, 6 सते 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो आ रही है, पाँच बार ले चलो देख लेते हैं अभी। पाँच सते पैंतीस के पाँच तीन, पाँच दूनी दस और तीन तेरह, पाँच दो, जीरो लगा लो। अब देखो यहाँ से नौ सते तिरसठ, नौ दूनी अट्ठारह चौबीस, नौ बार जाता हुआ दिख रहा है, तो ये कितना हो गया, नौ सते तिरसठ, नौ दुनी अट्ठारह और छः चौबीस। देखना भाई ध्यान से, ये सात हो गया, जीरो लगा दो, तो ये वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट 0.60 के दिखाई दे रहा है।
तो ये वैल्यू भी देखो 0.60 के बराबर दिख रहा है, अतः ये आंसर यहाँ पर सही माना जाएगा, यानी इसका आंसर 20/33 या इक्विवेलेंट हम ये बोल सकते हैं 16/27 के। अब जरा इसी सवाल को हम उस वाले नियम से देखें कि क्या दे रहा है आंसर। आप समझ तो गए ना इस बात को। चलिए अब देखिएगा, अगर हम इस प्रश्न को पहले वाले नियम से लगा रहे होते तो देखो हमें क्या मिल रहा होता। देखिएगा जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन है। चलो भाई यहाँ से हम लास्ट का ये उठाते हैं और ये हमारा हो जाता है क्या, 1, 2। कै पूर्णांक है, 1, 2, 3। तीन प्लेस हमें भरना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस वाले के लिए यहाँ पूर्णांक 2 है, इसका मतलब 2 से गुणा होगा और अंश 1 है तो मतलब 1 से भाग होगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चलो पहले इसको देखें, 2 × 2 = 4 अंत का गुणा, इधर को सीधे संख्या से जोड़ना या घटाना है या माइनस करना है, तो 2 × 2 = 4 में से एक निकल गया, बोलो बेटा क्या आ गया, 3। अब देखो 3 का पूर्णांक 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 से गुणा होगा, तो 3 × 6 = 2 = 8, यहाँ पर 8 हुआ। 8 का पूर्णांक 3 है, इसका मतलब यहाँ पर 3 से गुणा होगा, तो देखो ये हुआ 8 × 3 = 24 और 3 = 27। लेकिन ध्यान यहाँ रखना है कि यहाँ 1 होने पर ही ऐसा हो सकता है, यानी हमने जो हल किया वो इतने को हल किया, इतने को। अब जो हमारा आया भिन्न क्या आया, 8/27। 8/27 आया कब, जब यहाँ 1 था। अब इसमें टोटल वैल्यू में 2 से गुणा हो रहा है, तो हम यहाँ भी क्या करें, 2 से गुणा कर दें। देखिए ये यहाँ से आंसर तो सही आ गया, 16/27, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, यहाँ पर 1 होना चाहिए तभी इस नियम को आप लगाएं। अगर 1 के अलावा कुछ है तो आप 1 पर निकाल लो जो है, उसका फिर लास्ट में गुणा कर दो, आपको आंसर सीधे सीधे प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखिए, थोड़ा सा डाउटफुल में रहा कि 20/33 और 16/27 ये अप्रॉक्सीमेट बराबर है, तो यहाँ से हमने इस नियम से हल किया तो 16/27 मिल गया। आइए एक सवाल और लेते हैं। चलिए एक बहुत सुंदर सा सवाल है, इन ब्रैकेट 1+4/2+3/5 - 1/2 × 10/2 की वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, 1, 0, -15/2 और -1/2। तो आइए पहले इसको मैनुअल देखते हैं, बताओ जरा इसका रिजल्ट यहाँ से कितना हो जाएगा। 5 × 10, 1 निकल गया 9, ये आ गया 9/2। ऊपर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, 2/9। 3 इसे काट देगा 3 बार में। अब देखो 3 × 6 और 2 = 8, ये आ गया कितना भाई, 8/3। ये 8/3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/8। 4 काट देगा इसको बोलो 2 बार में। अब देखो यहाँ हुआ 2 × 2 = 3, 5/2, यानी कि ये हो गया 5/2 माइनस, यहाँ देखो 10 में 2 से भाग करोगे 5 × 1/2 करोगे तो बोलो क्या आएगा, 5/2, और इसका रिजल्ट बोलो क्या आ गया, 0। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, और आपका रिजल्ट यहाँ पर 0 आ गया, यानी बी नंबर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसी प्रश्न को हम अगर ग्राफ पर करें तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मुझे मिटाना था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। चलिए देखिए, ये तो मामला तय है ना, 5/2 ही यहाँ का आएगा, ये हमारा मामला तय है इतना सॉल्व होने के बाद। यहाँ पे देखो 1/2 भिन्न है तो यहाँ 1 रखो, यहाँ 2 रखो। कै पूर्णांक है देखो, 1 और 2 पूर्णांक है। ध्यान रखिएगा ये 4 है, हमें 1 लेना है, यानी हम इतने को अभी हल करने जा रहे हैं, केवल इतने को। तो चलो 2 पूर्णांक है, 2 प्लेस हमें फिल करना होगा। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर पूर्णांक 5 है तो हमें यहाँ पर +5 रखना होगा। चलो गुणा करते हैं, 5 × 2 = 10, 1 निकल गया, यहाँ पर 9 आ गया, और इसका पूर्णांक 2 है
ये रखना होगा, और यहाँ पर अंश तीन है तो तीन से भाग देना होगा, तीन आएगा। अब देखिए कैसे जोड़ रहे हैं, तीन दूनी छः और दो आठ, यहाँ पर आठ आ गया, ठीक है। अब बताओ हमारा फ्रैक्शन कितना आया, तीन बटे आठ आया, तीन बटे आठ। लेकिन ये इतने का मान आया है, हमें चार से इसमें गुणा करना है, तो हम इसमें गुणा किससे कर दें, चार से। देखो ये दो बार में कट गया, अब हमारा रिजल्ट आ गया, इतने पूरे का मान तीन बटे दो, एक जोड़ना भी है तो हम करेंगे एक धन तीन बटे दो, यानी वन प्लस थ्री बाई टू, और ये हो गया कितना, फाइव बाई टू। फाइव बाई टू देखो इतने का रिजल्ट आया, और माइनस में फाइव बाई टू है, फाइव बाई टू, और ये रिजल्ट बोलो कितना आ गया, ज़ीरो। समझ में आ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं, दिक्कत है? देखिए मैंने क्या कहा, एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए ये चीज़, थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत राहत वाला हो जाएगा। देखो एक बटे दो को हमने एक और दो रखा, दो के लिए पूर्णांक पाँच है तो ऊपर पाँच रखा। अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न कर रहा है वही करेंगे, लेकिन कुल कितने पूर्णांक है, ये देखो एक और दो पूर्णांक है, तो दो स्थान हम यहाँ पर भरने के लिए रखेंगे। इनका आपस में माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनका इनका गुणा करके इसको माइनस कर दें, तो पाँच दूनी दस, एक निकल गया नौ। अब जो इतने का मान आया उसका पूर्णांक क्या है, दो है, इसका मतलब है कि दो पूर्णांक है, लेकिन अंश देखो एक नहीं तीन है, और हमने कहा है ना कि भाग दिया जाता है अंश से। अब देखो ये हल हो के यहाँ कितना आ गया, तीन आ गया। अब अगले को लिखना है, तो हमने क्या कहा है, अंतिम वाले का ऐसे गुणा, और यहाँ केवल ये जोड़ा जाएगा, तो दो त्याय छः और दो यहाँ बोलो कितना हो गया, आठ। यानी अब आप ध्यान रखो कि यहाँ पर एक रहेगा तब ये नियम लागू होगा, तो हम चार को एक गुणे चार तो कर ही सकते हैं, यानी इतने का मान निकाल के अगर चार से गुणा कर कर एक जोड़ देते ही पूरे का मान आ रहा है। तो देखो भिन्न हमारा कितना आ गया, तीन बटे आठ आ गया, लेकिन ये गुणा करना है किससे, चार से, चार से गुणा कर दिया, चार दूनी आठ, यानी अब भिन्न कितना आ गया, तीन बटे दो आ गया, और उसमें एक जोड़ना है, हम एक जोड़ दिए। अब बोलो ये वैल्यू कितनी आ गई, पाँच बटे दो आ गई, यानी इतने का मान पाँच बटे दो है, इतने का मान पाँच बटे दो है, दोनों को माइनस कर रहा है, तो पाँच बटे दो में पाँच बटे दो माइनस करेगा, बोलो रिजल्ट में क्या आ गया, ज़ीरो। तो अब मैं जो थोड़ा सा सवाल और उठाऊँगा, अब उस पर हम थोड़ा इस पर कम प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग हम एक दो सवाल पे और करके आपको दिखाते हैं। आप जल्दी से इसको नोट करिए, देखिए एक सवाल आ गया है, यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है और हमें x की वैल्यू को निकालना है। अब अगर यहाँ हम मैनुअल लगा रहे होते तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा लेंदी होता। चलिए थोड़ा मैनुअल देखो क्या है, यहाँ पर x एकम x और 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपान x हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, x अपान x प्लस 1 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ोगे तो देखो x प्लस 1 में x जोड़ोगे तो कितना होगा, 2x प्लस 1 अपान x प्लस 1 होगा, और ये इधर जा कर के उल्टा हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपान 2x प्लस 1, और ये रिजल्ट 2 के बराबर दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 बराबर x प्लस 1, समझ में आ रहा है। x इधर ले आओ तो ये हो गया 3x बराबर माइनस 1, वैल्यू x का मान आ गया माइनस 1 बटे 3। तो देखिए यहाँ से आपने रिजल्ट निकाल लिया माइनस 1 बटे 3, लेकिन अगर हम इसको उस पर लगाएं जो अभी हम आपको ग्राफ कर रहे थे, तो उस पर देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैं रफ करूं, क्या क्या हमने लिख दिया, यहाँ पर 1 था, ये नहीं था। चलिए देखिए इसे उठाएं तो हम लिखेंगे 1 x कितने पूर्णांक है, 2 है, दो स्थान हमें यहाँ पर भरना होगा। देखिए कोफिशियंट इसका 1 है तो 1 गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं। अब बताओ यहाँ पर ऐड हो रहा है तो इसको इसको ऐड करेंगे तो बोलो यहाँ क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। अब आगे बढ़ो तो फिर देखो ऐड हो रहा है तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे 2x प्लस 1 आएगा। अब इससे फ्रिक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, तो x प्लस 1 अपान 2x प्लस 1 गिव्स 2,
ये गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर देखो वही आ गया 4x + 2 = x + 1। पलट दो इधर, 3x - 1, वैल्यू x का मान 1/3 आ गया। तो आप इसको दोनों तरह से जैसे भी आपको ठीक लगता है आप हल कर सकते हैं। और ये जो ग्राफ मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। तो आइए एक सवाल हम और करते हैं इस पर, देखिएगा एक प्रश्न आपके सामने है, इसे हल करें। तो आइए ज़रा सा मैनुअली हल करते हैं पहले। बताओ ये कितना हो जाएगा भाई, 3 × 3 = 4/3, इधर आएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 3/4, 4 × 4 और 3 = 7/4, इधर आएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 4/7। हल करो, 7 × 7 = 4 = 11/7, और इधर में भी देखो डिवाइड कर रहा है किससे, 11/7 से, जो भाज्य वही भाजक, रिजल्ट बोलो कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इस प्रश्न को अगर हम उस पर ले जाएं तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वहाँ पर। बस भाई ध्यान रखिएगा, अब इतने से आप सीख जाइए। ये देखिए पहले नंबर पे तो ये ध्यान रखो कि इतने की जो वैल्यू है, इतने की वैल्यू तो 11/7 है। चलो यहाँ देखो इसको उठाओ तो कहोगे 1, 3 कै पूर्णांक है, 1, 2 दो पूर्णांक है, 2 प्लेस बनाओ। देखो यहाँ ऐड हो रहा है तो ऐड करो, 3 और 1 = 4, पूर्णांक 1 है तो 1 से गुणा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर देखो ऐड हो रहा है यहाँ तो 4 और 3 = 7, बताओ हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया 4/7, लेकिन केवल इतने का मान आया है, अभी 1 इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया कितना, 11/7, और 11/7 और डिवाइड किससे कर रहा है, 11/7 से, बोलो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलिए जल्दी करिए इसको, देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए ज़रा देखा जाए नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हुए चलिए। तो बताओ यहाँ कितना आया, 2 × 2 = 3/2, ये इधर आएगा तो देखो यहाँ गुणा करेगा किससे, 2/3 से, ये सॉल्व होके कितना आ गया बाबू, देखो ये इससे कट गया, 2 - 1/3, 3 × 2 = 6, 1 निकल गया, बोलो कितना आ गया, 5/3, 5/3 जब यहाँ आएगा तो बोलो कितना होगा, 3/5। अब इसको ऐड करिए, 5 × 2 = 10, 10+3x / 5 = 12। अब इसको इधर भेजो तो देखो हो गया 10+3x = 60, 3x = 50, वैल्यू ऑफ x कितना आ गया, 50/3। ये आंसर सही होता है। तो आज आप लोगों ने देखा कि हम जो कंटिन्यूड फ्रिक्शन है उसको हम किस तरह से हल करते हैं। दो तरीका हमने आपको बताया, ये तो आपका ये भी बहुत ही अच्छा नियम होता है कि आप एक एक को सॉल्व करते ऊपर उलटते सॉल्व करते उलटते चले जाओ। दूसरा है कि आप ग्राफ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगला वीडियो जो हमारा इस पे आने वाला है वो बड़े बड़े सवाल होंगे, आप लोग देखे होंगे एग्ज़ाम में बहुत लंबा लंबा पूछता है, जैसे पूछ दिया 1/6 + 1/12 + 1/20 + 72 + 1/80, 90 जो भी है, इतना बड़ा सा समीकरण देगा कि वैल्यू निकालो। और ऐसे सवाल को हम 2 से 3 सेकेंड में 4 सेकेंड में हल करना आपको सिखाएंगे। यानी अगली वीडियो को आप मिस ना करिएगा और इस वीडियो को थोड़ा सा आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपनी समस्या को मुझे बताते रहिए। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई खूब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी भिन्न के अंतिम वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।